नमस्कार, आप देख रहे हैं YRY18 लाइव। दोस्तों, क्या आप इंद्राणी रहमान को जानते हैं? अगर हाँ तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो चलो हम आपको बता देते हैं। इंद्राणी रहमान ने देश आजाद होने के बाद सबसे पहले 1952 में अपनी खूबसूरती से सबको चकित कर दिया था। इंद्राणी 1952 में मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली पहली महिला थी। कह सकते हैं कि वे आजाद भारत की पहली सबसे खूबसूरत महिला चुनी गई थी। उन्होंने उस वक्त पर विश्व स्तर पर होने वाले मिस यूनिवर्स पेजेंट का भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 1952 में प्रतियोगिता जीतने वाली 22 साल की इंद्राणी उस वक्त प्रसिद्ध क्लासिकल डांसर थी। उन्हें भारत नाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और ओडिसी में महारत हासिल थी। वे उस वक्त एक बच्चे की माँ भी थी। उन्होंने स्विमिंग सूट राउंड के बाद गजरा और बिंदी लगाकर सबको चौंका दिया था। दुनिया भर में भारतीय नृत्य को प्रमोट करने के लिए इंद्राणी ने यूनाइटेड स्टेट का दौरा भी किया था। इंद्राणी रहमान की मां रागिनी देवी ने डांस डायलेक्ट्स ऑफ इंडिया नामक एक किताब भी लिखी थी, जिसमें तस्वीरों के जरिए इंद्राणी के डांस को दिखाया गया था। इंद्राणी को 1969 में पद्मश्री से नवाजा गया था। इसके साथ ही उन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था। 68 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था। तो दोस्तों, यह थी भारत की पहली मिस इंडिया इंद्राणी से जुड़ी कुछ बातें। आप बने रहे YRY18 लाइव के साथ। हॉलीवुड, बॉलीवुड और देश विदेश की महान हस्तियों के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।